गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, सब्जेक्ट जीके, चैप्टर फोर्थ बॉडी पोजीशन। जो हमारी बॉडी पोजीशन होती है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि हम कैसे सिटिंग कर रहे हैं, कैसे खड़े हो रहे हैं, कैसे रिलैक्स कर रहे हैं, कैसे उठ बैठ रहे हैं, जिसके इफेक्ट भी पड़ते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ बैड पोस्चर, हमारी जो गलत मुद्रा है उठने बैठने की, उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं। यू मे गेट टायर्ड मोर इजली, आप बहुत जल्दी थक जाते हैं। यू फील लेस एक्टिव एंड जेसफुली, आप बहुत जल्दी आपको एक्टिव लेस फील करते हैं। योर बैड पोजिशन मे मेक यू लाफिंग स्टॉक फॉर अदर्स, आप अगर बैड पोजिशन में खड़े या बैठे हैं तो आप और लोगों के लिए हंसी का पात्र बन सकते हैं। और ये बिग बोन्स की बहुत सारी डिसीज़ को भी आपकी बॉडी में एक्टिव कर देता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड पोजिशन, आप अच्छी तरह से अगर आपकी बॉडी पोजिशन है तो उसकी इम्पॉर्टेंस देखिए। गुड पोजिशन कीप अस अवे फ्रॉम वेरियस फिजिकल डिसीज, आपको बहुत सारी फिजिकल डिसीज से बचाता है। गुड पोजिशन मेक अस मोर एनर्जेटिक एंड रेडी टू वर्क, आपको एक्टिव बनाता है हर काम के लिए। यू कैन गेट मोर मार्क्स इंटरव्यू बाय रिमेंबर इन गुड पोस्चर वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन फॉर इंटरव्यूज, आप बहुत जल्दी आंसर दे सकते हैं इंटरव्यूज में। आपको मतलब कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है। गुड पोस्चर इज हाईली इम्पॉर्टेंट इन योगा एंड मेडिटेशन, आपको योगा और मेडिटेशन से बहुत इम्पॉर्टेंट पड़ता है इसका। आंसर इन येस और नो, यहाँ फिल करना आपको। इट इज़ ऑल राइट टू लेफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट, क्या आपको हैवी ऑब्जेक्ट उठाने चाहिए? नो। इट इज़ ऑल राइट टू रीड अ बुक इन अ सपाइन और प्रोन पोस्चर, आपको गलत तरीके से बुक रीड करनी चाहिए? नो। इट इज़ ओके टू रिमेन इज सिटिंग पोस्चर व्हेन योर हेड मास्टर एंटर इन द क्लासरूम, अगर आपकी क्लास में आपका टीचर एंटर करे तो आपको बैठे रहना चाहिए? नो। इट इज़ ओके टू रिमेन इन अपराइट पोस्चर वाइल वर्किंग द कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर चलाते रहें बिल्कुल अपराइट, बिल्कुल सीधी पोजिशन में बैठना चाहिए? यस। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, थैंक यू।